हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राम अस्वनी रिव्यू पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कदरा मूवी मदग अजय की, और आपको बताऊंगा क्या इस फिल्म में ऐसा खास, क्या इस फिल्म को देखना चाहिए भी है नहीं, और दोस्तों मुझे फिल्म देखकर क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो दोस्तों बगैर किसी देरी के शुरू करता हूँ अपना वीडियो। स्टार कास्ट के अंदर है श्री मुरली जगपति बाबू। दोस्तों अगर इस फिल्म को अगर मैं KGF 2 बोल दूँ तो भी कोई कहना कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि इसी टाइप की, मतलब जो रावड़ी फिल्म थी ना KGF Part 1, उसी टाइप की ये फिल्म भी है। कि हमें वो सब कुछ देखने को मिला है, ऐसा एक्शन सीन, वैसी परफॉर्मेंस लेवल, वही मतलब एक जुनून जो हमें यश का देखने को मिला था, वैसे ही जो जुनून है वो हमें देखने को मिला है यहाँ पर हमारे श्री मुरली जी का। तो दोस्तों एक राउडी फिल्म देखना चाहते हो, एक मास एंटरटेनमेंट फिल्म देखना चाहते हो, तो ये फिल्म एक्शन पैक्ड मसाला फिल्म है। कन्नड़ इतिहास की एक और जबरदस्त ये फिल्म बनने वाली है। जी हाँ, वैसे दोस्तों ये पैन इंडिया लेवल की फिल्म थी। इसका हिंदी जो पोस्टर था वो भी आया था, लेकिन बाद में RKD ने कह दिया था कि हम इस फिल्म को डायरेक्टली यूट्यूब पर रिलीज करेंगे। जैसे उन्होंने अभी विजय राघवन को अपलोड किया था TV पर, फिर उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, वैसे दोस्तों ये मूवी आपको कलर सिनेप्लेक्स पर और बाद में YouTube पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करें फिल्म में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। देखो फिल्म का प्लस पॉइंट मैं निकाल के आता हूँ। सबसे पहली बात है फिल्म की सेंटिमेंट। जी हाँ, एक माँ का प्यार जिसके ऊपर दोस्तों इस फिल्म को बनाया गया है, जो गजब से भी ऊपर का है। सेकेंड ऑप्शन जगपति बाबू। देखो इस अब क्या वो वक्त आ चुका है जहाँ पर हीरो को टक्कर देने के लिए भी एक ऐसे विलन को लाया जाता है कि मतलब जो स्क्रीन के ऊपर दर्शक लोग देखे ना तो वो अटैच हो जाए, वो दीवाने हो जाए, वो सोचते हैं ना अब क्या होगा यार, ये विलन तो खतरनाक है। जी हाँ, जैसे अन्नाटे मूवी के अंदर रजनीकांत साथ लास्ट के अंदर कैसे जगपति बाबू उनका बड़े भाई निकल के आते हैं, और कैसे उनसे वो फाइटिंग वर्क करते हैं, उनका कितना डेंजर रोल होता है अन्नाटे फिल्म के अंदर, वैसे ही दोस्तों इस फिल्म के अंदर जगपति बाबू ने तो मतलब तूफान ही ला दिया है। ये एक ऐसे लेजेंड एक्टर है कि मतलब इनकी जितनी तारीफ करो ना उतनी कम है। विलन के अंदर इनको अगर अवार्ड मिलते रहे ना मैं तो भी कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरी जान डाल देते हैं। ये सक्सेसफुल तो नहीं बन पाए हीरो के अंदर, लेकिन ये विलन बनकर हीरो से ज़्यादा नाम कमा गए। इस फिल्म के अंदर श्री मुरली भले हीरो हैं, उनकी भी चल ठीक है एक्टिंग स्टाइल, यानी जो मतलब देखते थे अगर फिल्म बनती वो हीरो के ऊपर ही बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म के अगर जगपति बाबू नहीं होते ना तो ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं बनती। फुल्ली मतलब पूरा उन्होंने अपना फोकस दे दिया है इस फिल्म के अंदर। अगर बात में कुछ माइनस पॉइंट ही निकालूँ तो मुझे इस फिल्म के अंदर जो गाने हैं ना वो मुझे पसंद इतने नहीं आए, मतलब ठीक ठाक भी नहीं बोल सकता हूँ, बस एक ओके टाइप गाना बोल सकते, ठीक है अगर चल रहा है तो ओके है बस। लेकिन कुल मिलाकर ये एक जबरदस्त फन टू वॉचेबल फैमिली फिल्म है, ये पक्का ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और दोस्तों फिल्म हिंदी में आपको जरूर TV या YouTube पर देखने मिलेगी, फिलहाल तो ये कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर सिर्फ थिएटर में चल रही है। बहुत ही सुपर मूवी है। अगर आप ये फिल्म देखनी है तो आपकी नज़दीकी सिनेमा घरों के अंदर इंग्लिश सबटाइटल के साथ आप इस फिल्म को देख सकती हो। तो मिलता हूं अगली वीडियो में दोस्तों एक और न्यू मूवी का रिव्यू लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, और इस वीडियो को शेयर किए बगैर मत जाना।